नमस्कार, जोहार, आदाब। ग्रीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। बिजली उपभोक्ताओं को मिले ब्याज से राहत, खबर गोड्डा से है। गोड्डा के महागावा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर ब्याज रहित बिजली बिल भुगतान की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि प्रखंड स्तर पर एक मुश्त ब्याज रहित बिजली बिल का भुगतान के लिए शिविर लगाने के लिए निर्देश दिया जाए। हजारों की संख्या में बिजली उपभोक्ताओं का बिजली लंबित है, इसके कारण बिजली विभाग कनेक्शन काटा जा रहा है। वैसे उपभोक्ता जो कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी में है, बिजली बिल का ब्याज अधिक हो जाने के कारण बिल भरने में असमर्थ है। जमीन माफिया पर नजर रखे ग्राम प्रधान, खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट से है। पोड़ियाहाट प्रखंड कार्यालय के मैदान में संथाल परगना स्थापना दिवस पर मंगलवार को संथाल परगना ग्राम प्रधान मांझी सम्मेलन में विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि ग्राम प्रधानों की समस्या व्यक्तिगत नहीं है, यह आम जनता और रैतों से जुड़ा मामला है। जन प्रतिनिधि होने के नाते लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। प्रदीप ने कहा कि विधायक एक वकील की तरह जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष बेहतर तरीके से पहुंचाता है। जनता के मुद्दों और समस्याओं को ईमानदारी के सरकार तक पहुंचाएगी। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। गोड्डा समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त के द्वारा डिस्ट्रिक्ट सप्लाई टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में आपूर्ति विभाग के माध्यम से चल रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा कर उपस्थिति पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खबर दुमका से, महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू होगा वन स्टॉप सेंटर। दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बीर ने मंगलवार को कहा कि दुमका में महिला शक्ति केंद्र एवं वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए सजग व जागरूक होना होगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित महिला शक्ति केंद्र एवं वन स्टॉप सेंटर एक बेहतरीन फोरम साबित होंगे। इसके माध्यम से महिलाओं के बीच सरकार के माध्यम से खासतौर पर महिलाओं के लिए चलने वाली योजनाओं के अलावा कानूनी जानकारी, घरेलू हिंसा से बचाव, कानूनी परामर्श समेत कई जानकारियां आसानी से मिल सकेंगी। पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा ऑटो, अवैध कोयला समेत चालक गिरफ्तार। रामगढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार को दोपहर रामगढ़ दुमका मुख्य मार्ग पर मयूरनाथ मोड़ के पास एक ऑटो पर लदे करीब 10 क्विंटल अवैध कोयले के साथ ऑटो चालक रूपलाल हेमलम को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ऑटो पर अवैध कोयला लोड कर ले जा रहा है, लेकिन पुलिस ने पीछा कर ऑटो को जब्त करने के साथ ही चालक को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि कोयला तस्कर भाग निकला। पुलिस ने कोयला तस्कर के साथ ऑटो मालिक तथा चालक पर अवैध कोयला उत्खनन का मामला दर्ज किया है। नारायणपुर के 39 लाभुकों ने 3 माह से नहीं लिया अनाज। रामगढ़ प्रखंड की बरमसिया पंचायत अंतर्गत नारायणपुर गांव में सुदर्शन यादव पर जन वितरण प्रणाली की दुकान के संचालन में मनमानी का आरोप लगा है। सुदर्शन यादव एवं उनके परिवार के लोगों की कार्य प्रणाली से खिन्न होकर गांव के 39 लाभुकों ने अक्टूबर माह से यहां किसी प्रकार का अनाज नहीं मिला है। इसके कारण कई लाभुकों के समक्ष खाने की विकट स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। खबर देवघर से है। देवघर के विधायक का अनोखा अंदाज, पुल का शिलान्यास करने हाथी पर गए थे, उद्घाटन के लिए घोड़े पर पहुंचे। झारखंड में एक विधायक का अंदाज चर्चा में चल रहा है। देवघर में विधायक रणधीर सिंह अपने क्षेत्र में पुल का उद्घाटन करने घोड़े के सवार होकर गए। इसी पुल का शिलान्यास करने वो हाथी पर सवार होकर गए। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को देवघर में लगेगा विकास मेला। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 29 दिसंबर को देवघर के कमलकांत स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा विकास मेला सह ऋण वितरण शिविर आयोजन किया जाएगा। इसके सफल आयोजन को लेकर देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समारोह में बैठक की। पॉलीथीन को हटाना है, नगर निगम को चमकाना है। पॉलीथीन को हटाना है, देवघर नगर निगम को चमकाना है, इन्हीं गीत के बोल के साथ धनंजय नारायण खवारे सेवा दल के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल के निर्देश पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देवघर को बेहतर अंक दिलाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है।
खबर अब पाकुड़ से, विकास योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। खबर पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा से है। प्रखंड के सभागार में BDO संजय कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को सभी पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं कनीय अभियंताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें BDO ने प्रखंड में चल रहे कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी पंचायतों में जितने भी चापाकल व कूप है उसके बगल में सॉफ्ट पिट निर्माण करने का निर्देश दिया। पंचायत सेवक और रोजगार सेवकों को मनरेगा कार्य में तेजी लाते हुए मजदूरों का डिमांड बढ़ाने और मनरेगा कार्यों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। जामताड़ा से, जामताड़ा में 23 दिसंबर को लगेगा रोजगार मेला, निजी क्षेत्र की कंपनी हो देगी नौकरी। कोरोना काल में जिले में एक बार फिर रोजगार मेला नहीं लगा, लेकिन बुधवार को जामताड़ा न्यूजनालय परिसर में इस साल का पहला रोजगार मेला लगेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला न्यूजनालय पदाधिकारी प्रतीक कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जिला न्योजनालय जामताड़ा द्वारा 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे से जिला न्योजनालय परिसर में भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कई थाना प्रभारी और पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला। SP दीपक कुमार सिन्हा ने जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। इस कुछ थाना प्रभारी को तो महज 2 से 2.5 महीने में ही ट्रांसफर कर दिया गया। थाना प्रभारी के अलावा कई पुलिस इंस्पेक्टरों का भी तबादला किया गया है। बाल श्रम करवाने वाले ईंट भट्टा मालिकों पर होगी सख्त कार्रवाई। मंगलवार को समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक करमा टांडवा नाला में हुई। बैठक में बाल संरक्षण व उनके अधिकारों के उपयोग पर बल दिया गया। कर्माटार की बैठक में जिला बाल संरक्षण समिति के संयोजक सह अंचल अधिकारी सचिदानंद वर्मा ने बाल मजदूरी, बाल विकास, बच्चों के अधिकारों के हनन आदि पर रोक लगाने का निर्देश दिया और बोले कि बाल श्रम करवाने वाले ईंट भट्टे मालिकों पर कार्रवाई होगी। अब सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में LPG गैस पर पकेगा बच्चों के लिए भोजन। अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में लकड़ी और कोयले पर बच्चों के लिए भोजन पकाया जाता था, लेकिन नए साल में धुएं और प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल अब LPG गैस पर बच्चों के लिए भोजन पकाया जाएगा, इसकी शुरुआत कर दी गई है। नए साल की नौनी हालों को गर्म और ताजा पोशाक से भरपूर खिचड़ी गैस चूल्हा से बनाकर परोसा जाएगा। इसके लिए जिला समाज कल्याण विभाग के पास प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को गैस चूल्हा उपलब्ध कराने का आवंटन प्राप्त हो गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।